पाकिस्तान में मेरी 3-4 मिल्स हैं। मेरिया टाउन का नाम सुना है? नहीं। वहाँ पे जितनी भी प्लॉटिंग है ना, वो उसकी 50% शेयर्स मेरे पास है। ये पूरा एक गेमिंग एरिया बनाया हुआ है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी। रात को जैसे कि आपको पता है, हम काफी ज्यादा ख्वार होने के बाद घर पे आए थे, तो बिरयानी शिरयानी सब भूला हुआ था आपका भाई। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट था कि यार फटाफट सोना है, तो आपका भाई फटाफट सो गया। तो यार वेलकम बैक हो गया तुम सबका अनदर ब्लॉग के अंदर। और जिसने अभी तक मलिक हमाद गैंग ज्वाइन नहीं किया, तो फटाफट सब्सक्राइब के बटन को दबा दो और बेल आइकन के ऊपर बैठ जाए, उसको तोड़ दे, लेकिन दबाना जरूर है। निकल यार, सुबह आपका भाई उठ गया था, आपकी भाभी को अर्जेंटली ऑफिस जाना पड़ गया था। वैसे तो हमारे हॉलीडेज है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसको फटाफट ऑफिस जाना पड़ गया, तो आपके भाई ने उसको स्टेशन तक ड्रॉप किया और फिर आके अगेंस्ट हो गया। फिर जब हमारी आंख खुली तो थोड़े काम शाम करने थे। जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा कि एडिटिंग शेडिटिंग चल रही थी, तो मैंने पहले एडिटिंग वगैरह मुकाई। तो यार एडिटिंग शेडिटिंग काम शाम के बाद हम फारिग हुए, तो मैंने कहा चलो अपनी गैंग से थोड़ी सी मुलाकात हो जाए, उनसे थोड़ी बातचीत हो जाए, तो फिर मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो यार कमरे की इस टाइम पे ये सिचुएशन है हमारे पास के बिल्कुल कपड़े शपड़े फैले हैं आपके भाई के। तो बाहर चलते हैं, पहले थोड़ा सा बाहर का माहौल देखते हैं और फिर आते हैं, कमरा शमरा सेट करते हैं, क्योंकि आपकी भाभी गई है जॉब पे, तो थोड़ा हम सफाई वगैरह कर लेते हैं ताकि उसका भी दिल खुश हो जाए, और फिर अगर वो खुश होगी तो हम खुश होंगे। यार भाई की एक टिप याद रख लो यार, कि अगर शादी के बाद खुश रहे हैं तो अपनी वाइफ को खुश रखना सीख लो। अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये आपके भाई की जैकेट शैकेट पड़ी हुई है, इसको पहनते हैं थोड़े टिकटॉक वाले स्टाइल में। ये रहा हमारा रूम कार्ड। हेलो मेट, हाउ आर यू। तो जी ये बाहर का सीन है, धूप का नामो निशान भी नहीं, बिल्कुल बादल शादल आए हैं, लेकिन बारिश नहीं है, लेकिन ठंडी हवा बहुत ज्यादा है। असल में रिसेप्शन वाले दिन भी हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, बिल्कुल रात में पहुँचे थे। फिर कल जब हम मॉर्निंग टाइम निकले, तो फिर कल हम ख्वार होकर बहुत रात में पहुँचे, तो हमने इस जगह का एक्सप्लोर ही नहीं किया था। तो मुझे अभी पता लगा है कि यहाँ पे कोस्टा क्या बर्गर किंग भी है और डब्ल्यू एस स्मिथ भी है, और भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं। तो जी ये यहाँ की वाइब है कोस्टा की। यहाँ पर ये छोटा सा सुपर मार्ट टाइप बना हुआ, एक ये छोटी सी गिफ्ट शॉप, इसके अंदर ऑलमोस्ट आपकी ज़्यादातर पैकिंग वाली चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं जो आप किसी को गिफ्ट दे सकते हो, या फिर इस टाइप के स्नैक्स वगैरह, बिस्किट्स वगैरह। वाइन की एक भरपूर कलेक्शन जो कि आपके भाई के तो किसी काम की नहीं है। ये पानी की बॉटल्स वगैरह यहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्योंकि होटल एक जो है हाईवे के पास है, तो ये वो पर्सन ज़्यादा यूज़ करते हैं जिन्होंने जहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हो। इधर एक छोटा सा बिग स्टॉल लगा हुआ है, कुछ बच्चों के कपड़े, ये मोबाइल एसेसरी शॉप। ये पूरा एक गेमिंग एरिया बनाया हुआ है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो भी ट्रैवलर्स वगैरह आते हैं वो प्रॉपरली इंजॉय कर सकें। बर्गर किंग भी यहाँ पे मौजूद है, और ये एक ग्रीक्स करके एक बेकरी टाइप है, कि यहाँ पे आपको कॉफ़ी से रिलेटेड या बेकरी आइटम जो भी है वो सब आपको यहाँ मिल जाएगी ईजिली। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप उनके साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे भी गेम्स दिए हुए, कुछ चैलेंजेस गेम दिए हुए, कि कॉइन्स डालो और अपनी मर्जी की चीज़ वगैरह निकाल लो। तो ये चैलेंजिंग गेम होते हैं जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अच्छा, और ये डब्ल्यू एच स्मिथ, ये एक छोटा सा जनरल मार्ट है, इसके अंदर आपको हर चीज़ मिल जाएगी बेकरी आइटम से रिलेटेड। ट्रैवलिंग करते हुए आपको सोप्स, शैम्पू वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह, और यहाँ पर बुक्स वगैरह, मतलब कि आपको यहाँ पे हर वो चीज़ मिलेगी जो एक ट्रैवलिंग करते हुए, कोई फैमिली ट्रैवल कर रही है, कोई भी ट्रैवलिंग कर रहा होता है, तो हम जाते हैं, हमारे शैल के पेट्रोल पंप होते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे मार्ट्स बने होते हैं, बुक्स वगैरह मिल जाती हैं, छोटे छोटे गिफ्ट्स वगैरह मिल जाते हैं बच्चों के लिए, तो मतलब वो सारी चीज़ें वहाँ भी अवेलेबल होती हैं, जिससे आप जो है मतलब बोर नहीं होते ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। और यहाँ पे एक इसी तरह का एक बहुत बड़ा सुपर मार्ट दिया हुआ है, इवन के आपको ये नेक पिलोज भी दिए हुए हैं, कि आपकी गर्दन शर्दन में दर्द हो तो लगा। ओए होए, जिस तरह की ठंड है उसमें ये आइसक्रीम खाने का अपना ही मज़ा है। लेकिन अब आपको पता है कि आपका भाई कमिटेड है, तो अकेले खाने में बिल्कुल ही मज़ा नहीं आएगा। नादिया होगी साथ, तो फिर उसको लेके आएंगे और ख़ुद भी खाएंगे और उसे भी इंजॉय करवाएंगे। यहाँ ये वेप्स की भी पूरी वैरायटी रखी हुई है, सारे फ्लेवर, सारे इलेक्ट्रिक वेप रखे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्यारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं नबील भाई, अगर वो यहाँ पे मौजूद होते तो वो इन वेब्स से करोड़पति बन जाते, जैसे कि वो पाकिस्तान में बहुत दफ़ा होटल में बैठ के ऑलरेडी करोड़पति बन चुके हैं वेब्स बेच बेच के सिर्फ मोमो से। ये हमारे दानिश भाई हैं। हेलो दानिश भाई, वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम श्रीलंका।
ये श्रीलंका से हैं ब्रदर, लेकिन इनका नेम मुस्लिम है, तो मैं खुद भी थोड़ा सा हैरान हो गया कि आप मुस्लिम हैं। तो इन्होंने बताया कि नहीं जी, आर यू मुस्लिम? नो, आई एम क्रिश्चियन ब्रदर फ्रॉम श्रीलंका। ओके ओके, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। तो यार ये हमें एक बड़ी काम की चीज़ यहाँ पे मिली है, ओवन। ओवन को देख के मैंने काम की चीज़ इसीलिए बोला था क्योंकि जिस होटल में हम हैं, ये होटल का स्टाफ इतना नल्ला है, ये इतना नल्ला होटल है कि यहाँ पे ना तो ओवन मौजूद है ना यहाँ पे किचन मौजूद है कि अगर आप अपने साथ कोई खाना शाना लाए हो तो आप यहाँ पे गर्म नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास ओवन ही नहीं है। वो तो शुक्र है कि मैं सुपरमार्ट वगैरह गया तो मुझे वहाँ ओवन नज़र आ गया और मैंने उनसे परमिशन ले ली, तो उन्होंने कहा कि आपका जो भी खाना शाना आप इधर आके ईजिली गर्म कर सकते हैं, आपको कोई भी मसला नहीं है। तो अब आपकी भाभी के आने से पहले हम जो है खाना शाना गर्म कर लेंगे ताकि उसे आके फिर कोई प्रॉब्लम ना हो, तो फिर आराम से खाना शाना खाएं फिर दोनों। क्या बात है। तो ये हमारे होटल के रूम्स के बैक साइड पे एक बहुत अच्छा सा व्यू टाइप दिया हुआ है। दरख्त यहाँ के सारे मुझे अगेन हैरी पॉटर की याद दिलाते हैं। और मज़े की बात यही कि हम लोगों ने बुकिंग के टाइम यहाँ पे ब्रेकफास्ट इंक्लूड कर दिया था और हमने सोचा था कि ब्रेकफास्ट हमें बहुत अच्छा मिलेगा, चलो ये कि अंडा छंडा मिल जाएगा, ब्रेड वगैरह होगी तो सुकून से ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो आज जब इन्होंने आपके भाई को ब्रेकफास्ट दिया तो मेरा खून ही जल गया। ब्रेकफास्ट में इन्होंने मुझे दिया एक सिंपल सा केक, एक छोटी सी जूस की बॉटल और साथ में कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स, अबे मैं कोई बच्चा हूँ क्या? इनको कोई बताया यार आप शादी शुदी हो गई है, आप बड़ा हो गया हूँ मैं। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। हाँ जी, तो अब ठंड वगैरह थोड़ी बढ़ रही है, आपका भाई हमेशा की तरह स्लीपर्स में, तो अब बस ये है कि हवा थोड़ी तेज़ है, अब रूम में चलते हैं, थोड़ा रूम को समेटते वगैरह है क्योंकि बेगम के आने का भी टाइम है, तो अच्छा है थोड़ा सा वो खुश हो जाएगी देख के। ये छोटी छोटी एफर्ट्स बहुत मैटर करती हैं यार, अगर आप एक अपना हेल्दी रिलेशनशिप रखना चाहते हो अपनी वाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ, तो ये छोटी छोटी एफर्ट्स होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये आपके रिलेशनशिप को बहुत हेल्दी बनाती है और एक आपके लिए लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? तो जी हम अपने रूम में आ गए, तो बस रूम में चलते हैं और अब रूम को थोड़ा सा सेट करते हैं। आपके भाई की चीज़ें हर जगह फैली हुई है, बहुत बुरी हालत है यार। हाँ जी, तो हम स्टार्ट करते हैं इस एरिया से ताकि जो है हमारे रूम का मेजर पार्ट साफ़ हो जाए, तो फिर रूम खुद ब खुद थोड़ा बहुत साफ़ लगने लग जाएगा, फिर ये कि चीज़ें वीज़ें थोड़ी सेट कर देंगे। सबसे पहले तो नाश्ते के बॉक्सेस को हम उठा के रखते हैं जगह पे, साइड पे। इस पानी की बॉटल को भी हम उठा के रखते हैं इधर। ये आपके भाई का शनेल, इसको भी हम साइड पर रख देते हैं। तो जी फाइनली हमारी जो टेबल वाली जगह थी वो कुछ ऐसी नजर आ रही है। अब बारी है हाँ थोड़े बेडशीट ठीक करने की, तो इसको ठीक करते हैं। हाँ जी, तो कमरे की जो हालत है वो आपके भाई ने जितनी ओके हो सकती थी अपने हिसाब से ओके कर दी है। 2000 years later। हाँ जी, तो सीन कुछ ऐसा है कि आपकी भाभी के आने का टाइम हो गया है, तो मैंने बोला कि चलो यार बस स्टेशन तक चलते हैं और इस बावली को पिक करके लाते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अंधेरा होने वाला है और ठंड भी काफ़ी और रास्ता भी सुनसान है, तो मैंने बोला कि यार जाना चाहिए हमें। तो जी हम स्टेशन पे तो पहुँच गए, बस अब वेट कर रहे हैं कि वो जैसे ही आती है तो उसको पिक करके निकलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और मुझे आइडिया नहीं था इतनी ठंड होगी और ज़ुकाम पीक पर है। हेलो गाइस, ये देखो मैं इसकी खातिर आया हूँ यहाँ पे, ये मुझे छोड़ के ही जा रही है। प्यारी समझ गई। वैसे नादी एक बात बताओ कि कभी तुमने इमेजिन किया था कि इतना अच्छा हस्बैंड जो अपने करोड़ों का लाखों का बिजनेस छोड़ के सिर्फ तुम्हें बस स्टेशन लेने आए, तो कभी तुमने इमेजिन किया था कि तुम्हारा ऐसा हस्बैंड होगा? वेरी फनी। ओके, क्या तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं लाखों करोड़ों नहीं कमाता? मेरे ना अपने पाकिस्तान में ना 3-4 मिले शिले चल रही हैं और वहाँ पे बैरियर टाउन है ना, बैरियर टाउन का नाम सुना है? नहीं। वहाँ पे जितनी भी प्लॉटिंग है ना वो उसकी 50% शेयर्स मेरे पास है। अब बहुत अच्छी बात है। Excuse me, can I have a hood please?
थैंक यू। आपकी भाभी को ले जाने से पहले मैंने खाना शाना जो है रिसेप्शन पर रखवा दिया था ताकि वो ऊपर चली जाए और मैं खाना शाना यहाँ पे जो गरम वरम करना है वो करके फिर एक ही दफ़ा ऊपर जाऊँ। तो ये अभी हम उसी मॉल के अंदर आ गए, तो यहाँ हमने देखा था एक ओवन। यस, इसमें हम करते हैं खाना गरम। तो खाना शाना हमने गरम कर लिया है तो अब बस चलते हैं ऊपर और खाते हैं इसको। भूख मुझे भी लगी हुई है और भूख उसे भी लगी हुई होगी। गजब बेइज्जती है। Two hours later. हाँ जी, तो खाना शाना खा के हम फ्री हो गए थे तो हमने बोला कि चलो मार्ट से को पानी शानी लेते हैं और ये चॉकलेट टू चॉकलेट यहाँ लगी हुई है तो थोड़ी हमने कहा लेट नाइट ट्रैवलिंग हो जाएगी। आज ठंड में बाहर घूमे तो काफ़ी ज़्यादा सर में भी दर्द है तो हमने कहा चलो एक पैनाडोल सैनाडोल भी उठा लेते हैं यहीं से। तो ये सामान सामान हमने ले लिया सारा, ये हमारे दानिश भाई जिनसे हम शाम को मिले थे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बिल कर रहे हैं। तो हमने बोला कि हाँ चलो कुछ कुछ ले लेते हैं रात में, ऐसे थोड़ी बहुत क्रेविंग हो जाती है, भूख लगती है और ऐसी चीज़ें होती हैं रात में, मज़ा आता है। अजीत हम सामान सामूल लेके आ गए थे अपने रूम में वापस, तो बस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। और जिसने अभी तक इस व्लॉग को लाइक नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस व्लॉग को शेयर नहीं किया तो लाजमी शेयर करो, लाइक करो और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ। तो फिर मिलते तुम लोग से कल नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखना, हमें अपनी दुआ में याद रखना। ओके।